हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एयरफोर्स का एक नया प्रैक्टिस सेट ला रहा हूं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका जो स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इनकंटिनेंस, सेकंड है यूरिनेट, थर्ड है मसल्स, फोर्थ है इन्फ्लेमेशन। तो मिस स्पेल्ड वर्ड इसमें देखना है। अब इनकंटिनेंस, यूरिनेट, मसल्स, इन्फ्लेमेशन, तो इसका जो मिस स्पेल्ट हो जाएगा वो जाएगा इन्फ्लेमेशन, क्योंकि स्पेलिंग जो होती है वो होती है INFLAMMATION। तो सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा फोर्थ, आपका हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन। तो और इन सब जो रेस्ट ऑप्शन जो बचे हुए हैं उन सब की मीनिंग हो जाएगी, एक की हो जाएगी जो पहला है इनकंटिनेंस का। इनकंटिनेंस का अपोजिट आप ये समझिए कंटिनेंस। तो कंटिनेंस मतलब क्या होता है, जो संयम हो, जिसके अंदर संयम हो, रिस्ट्रेंट, एब्सटिनेंस, सोवेरिटी, ठीक है। तो इसका अपोजिट है इनकंटिनेंस। यूरिनेट, यूरिन से आप रिलेटेड है, मसल्स जानते हैं आप लोग। नेक्स्ट पे चलते हैं, चेंज द नरेशन, मोहन सेड गुड बाय माई फ्रेंड। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, मोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय एंड सेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड, मोहन वेड हिज फ्रेंड एंड सेड गुड बाय, मोहन वेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड, मोहन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो एंड सेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा आपका सिक्स का थर्ड ऑप्शन, मोहन वेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड। नेक्स्ट, ब्रिंग चेंज द वॉइस, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें आपका अब ये देखिए ये इम्परेटिव है, आपको इम्परेटिव में बनाना पड़ेगा इसे, क्योंकि इसमें एक परमिशन के तरीके है क्वेश्चन। ये अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, अ ग्लास ऑफ वाटर शुड बी ब्रॉट, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, नन ऑफ दीज। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका लेट, क्योंकि इसका मतलब होता है जैसे परमिशन के लिए होता है, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ ग्रीप, पहला ऑप्शन है ग्रीप, सेकंड है मेडिटेट, थर्ड है फ्यूज, फोर्थ है मॉल। तो ग्रीप मतलब होता है शोक, शोक, तो शोक से रिलेटेड एक ही वर्ड है आपका, वो है मौन, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका मौन। सभी की मीनिंग देख लीजिए, ग्रिप मतलब होता पकड़, जैसे क्लैस्प, CLASP, क्लैस्प, मजबूत पकड़। मेडिटेट मतलब दो व्यक्तियों के बीच में जो मध्यस्थता होती है उसे मेडिटेट बोलते हैं। फ्यूज, फ्यूज मतलब हो जाएगा आपका जो फ्यूज होता है, ठीक है। एंटोनिम ऑफ इनएनिमेट इज फ्यूटाइल, फ्यूरी, फ्यूड, लिविंग। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम बनाना है। तो एनिमेट मतलब दुश्मनी जो होता है ना, तो एंटीमेट मतलब क्या हो जाएगा बताइए। तो अब इनएनिमेट है तो इसका मुझे पॉजिटिव वर्ड कोई चाहिए। फ्यूटाइल मतलब तो झगड़ा करना होता है, फ्यूटाइल अटैम्प्ट जिसे फ्यूटाइल, फ्यूरी मतलब भी क्रोध, फ्यूड मतलब भी झगड़ा। तो पॉजिटिव वर्ड कौन सा हो जाएगा आपका, लिविंग, फोर्थ ऑप्शन, आपका इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, आपका अगला क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर पे है, द मैन हु इज हेयर आर माई फ्रेंड, नो एरर। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, अब आप ये देखिए कि द मैन क्या है यहाँ पे, द मैन यहाँ पे प्लूरल है, द मैन क्या है यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल है तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा कौन सा होगा, वो ही प्लूरल होगा, है ना। तो द मैन हु आर हेयर, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका आर, आर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका हो जाएगा टेंथ का सेकंड, ठीक है, टेंथ का हो जाएगा आपका सेकंड। नेक्स्ट, फेमिनिन ऑफ कोल्ट इज, कोल्टेस, कोल्टी, फिली, राम। तो ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, फेमिनिन ऑफ कोल्ट इज, तो क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा आपका फिली, ठीक है। कोल्ट मतलब बछड़ा, तो बछड़ा का जो फीमेल होता है ठीक है, वो हो जाएगा फिली,
और रैम के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि सिप यदि सिप है जो भीड़ है उसका, यदि मेल मेल की मेल का नाम पूछे तो राम, और फीमेल का नाम पूछे तो ईव, EWE, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा 11th का आपका, हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, प्लूरल ऑफ पोटैटो, एक्चुअली इसमें एर आइटम है, POTATO होना चाहिए, ठीक है, पोटैटो में। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, पोटैटोज। इसमें भी चारों ऑप्शन गलत हैं इसके, तो क्योंकि जो सही आंसर, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, क्योंकि स्पेलिंग क्या हो चाहिए, POTATOES, पोटैटोज, ठीक है, POTATOES, पोटैटोज। नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ ग्लोरी इज क्या हो जाएगा, गोरी, ग्लैड, गैम्बलर, ग्लोरियस। तो ग्लोरी का तो ग्लोरियस होगा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना, ग्लोरी का क्या हो जाएगा, ग्लोरियस, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, ग्लोरियस। सभी की मीनिंग देते हैं, गोरी, गोरी मतलब होता है जो बिल्कुल ब्लड से भरा हुआ हो, खून से रक्तमय हो, है ना, जिसे ब्लडी बोल सकते हैं, या सैंग्विन, या ब्लड शॉट, ठीक है। ग्लैड मतलब खुश, गैम्बलर मतलब क्या होता है, जो जुआ वगैरह खुद खेलता हो, ठीक है। नेक्स्ट, 14th है आपका, पास्ट टेंस ऑफ वीव इज, वीव मतलब क्या होता है, बुनना, ठीक है, वीव मतलब होता है बुनना। फर्स्ट ऑप्शन आपका वीव, सेकेंड है वोव, थर्ड है वोवेन, फोर्थ है वीव्ड। तो क्या हो जाएगा, वोव, सही आंसर इसका हो जाएगा वोव, ठीक है। नेक्स्ट, वन वर्ड बताना है इसका, 15th का, अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेज। फर्स्ट ऑप्शन है जैकी, सेकेंड ऑप्शन है जॉकी, थर्ड ऑप्शन है इक्वेस्ट्रियन, फोर्थ ऑप्शन है स्टेबल, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जो हॉर्स हॉर्स रेसेज में जो प्रोफेशनल राइडर होते हैं, घुड़सवार होते हैं, उन्हें बोला जाता है क्या, जॉकी। इक्वेस्ट्रियन मतलब घुड़सवार भी होता है, जिसको आप कैवेलियर भी बोल सकते हैं, राइडर भी बोल सकते हैं। स्टेबल, घोड़ के घोड़े को जहाँ रखा जाता है वो बोला जाता है, घोड़े के रखने के प्लेसेज को बोलते हैं स्टेबल या अस्तबल हिंदी में। जैकी, जैकी नाम है ये। नेक्स्ट, वर्ड बाई वर्ड मीन्स, वर्ड बाई वर्ड मीन्स हो जाएगा एग्जैक्टली, क्या मतलब हो जाएगा, एग्जैक्टली, फोर्थ ऑप्शंस हो जाएगा आपका एग्जैक्टली। और वर्ड फॉर वर्ड का मतलब भी एग्जैक्टली ही होता है, वर्ड बाई वर्ड एग्जैक्टली भी होता है, लिटरेरी मीनिंग जिसे बोलते हो आप, वर्ड बाई वर्ड का मतलब लिटरेरी, ठीक है, इन द सेम वर्ड। और वर्ड फॉर वर्ड का मतलब भी एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम हैविंग डिफिकल्टी डैश माई ट्रेवल। फर्स्ट ऑप्शन है टू, सेकेंड है बाय, थर्ड है विद, फोर्थ है फ्रॉम। तो क्या हो जाएगा, 17th का, आई एम हैविंग डिफिकल्टी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका विद, 17th का थर्ड, क्योंकि उसे अपने ट्रेवल में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ठीक है। आई एम हैविंग डिफिकल्टी विथ माई ट्रेवल विद। ही रेस्ट्स डैश द ट्री, फर्स्ट ऑप्शन है इन, सेकेंड है इनसाइड, थर्ड है इनटू, फोर्थ है अंडर। तो ही रेस्ट्स ट्री के नीचे है, अब इनसाइड तुझे होगा नहीं, इन होगा नहीं, इनटू होगा नहीं, क्या बचा, 18th का आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, अंडर। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है, डैश हायर यू गो डैश कूलर यू फील, ये कंपैरिजन का सेंटेंस है, द हायर यू गो द कूलर यू फील, ठीक है, ये कंपैरिजन किया गया है इसमें। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 19 का थर्ड। नेक्स्ट, दिस मैन इज एज रेजिस्टलेस एज द डैश टाइगर विंड वाटर एंट। रेजिस्टलेस का मतलब पहले जानिए, रेजिस्टलेस मतलब होता है बिना इंटरप्शन के, बिना बाधा के, ठीक है। तो बिना बाधा की कौन सी चीज़ें होती हैं, टाइगर, वो विंड, वाटर एंट, क्या होगा, 20 का सही आंसर जो हो जाएगा आपका विंड, हवाएं जो होती हैं, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 20 का सेकेंड। दोस्तों, यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।